हेलो एंड वेलकम, मैं संगीता दुंशी और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे। और हम बात करने वाले हैं रोज की तरह बिग बॉस की कि आखिरकार बिग बॉस में अब नया टास्क सीजन स्टार्ट हो गया है। तो इस सीजन में जो टास्क सीजन है उसमें नए नए तरीके के टास्क देखने को मिल रहे हैं और ये टास्क न केवल नॉमिनेशंस के लिए है बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों के लिए है जिसमें आती हैं आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स। अगर आप टास्क जीतते हैं तो आपको मिल सकती हैं अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स हमेशा के लिए। हमेशा से ये मतलब है कि आप इस पूरे सीजन में आपको हिना खान के सामने हर रोज वो 7 आइटम के लिए किचकिच नहीं करनी पड़ेगी। तो यही कुछ हो रहा है जिसमें कि एक दूसरे को फेस करना था और आपको जीतना था। तो सबसे पहले आते हैं राहुल वैद्य और एजाज खान। हालांकि इस टास्क के दौरान जो जितनी बॉल्स कलेक्ट कर लेगा वो टास्क का विनर रहेगा और वहीं पर सबसे ज्यादा जो बॉल्स कलेक्ट की वो थे एजाज खान। और वहां पर राहुल वैद्य को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि एजाज खान जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए पूरा प्लान वो नहीं कर रहे हैं। तो एजाज खान ने एक पर्सनल टारगेट करते हुए उनकी एज को लेकर स्टेटमेंट दे दी जिसमें उन्होंने चाचा कह दिया और कहा कि जरा संभल के काम करो। तो ये एक एज फैक्टर को लेकर के किसी को पर्सनली टारगेट करना ऑडियंस के सामने बहुत गलत दिखा। तो गौहर खान ने भी इस पर अपना स्टैंड लिया और कहा कि आपको इस तरीके से किसी की एज को लेकर के नहीं बोलना चाहिए, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। सबका परफॉर्मेंस मैटर करता है, टास्क में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये मैटर करता है। वही ये तो थी टास्क की बात। सेकेंड जो नंबर पर आते हैं वो है पवित्र पूनिया और रुबीना दिलैक। ये दोनों को भी अपने पर्सनल सामान को लेकर के आमने सामने आना था जिसमें पवित्र पूनिया जीत गई और पवित्र पूनिया को अपने जो पर्सनल सामान था वो मिल गया पूरे सीजन के लिए और आगे उनको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वही रुबीना दिलैक को पता चला इस टास्क में ऑडियंस के सामने जो एक सामने बात आई कि रुबीना दिलैक बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है किसी की स्टेटमेंट से, किसी के कैरेक्टर से। तो उन्होंने इस टास्क को उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया और जिसकी वजह से टास्क को लेकर के हमेशा ही उनको बोला जा रहा है कि आपको टास्क पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ज़्यादा अच्छे से टास्क को परफॉर्म करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। और जो तीसरे नंबर पर थे वो तो निशांत मलकानी और शहजाद देओल में से निशांत मलकानी को जो टास्क में शहजाद देओल ने पर्सनली टारगेट कर दिया जिसको लेकर के बवाल मच गया था और बहुत सी गाली गलौज मारपीट और धक्का मुक्की पूरे टास्क में थी जिसने ऑडियंस को बहुत एंटरटेन भी किया और बहुत कुछ रियल साइड भी दिखाई। बहुत से कंटेस्टेंट की ऑडियंस को देखने को मिली इस टास्क में जितने भी कंटेस्टेंट थे उनकी। वहीं जब शो के एंड में रुबीना दिलैक और पवित्र पूनिया और गौहर खान ये तीनों मिल करके शहजाद और निशांत मलकानी के बीच में जो हुई लड़ाई को मिमिक्री के थ्रू दर्शकों के सामने लेके आ रही थी वो काफ़ी फन एलिमेंट था पूरे इस एपिसोड में। तो ये तो टास्क को लेकर के जो बवाल मच रहा था उस पर थी हमारी बातचीत। तो बाकी और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।